नमस्कार दोस्तों, मैं किशन यादव स्वागत करता हूँ आपका आर के स्मार्ट स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। आज है 28 जनवरी और 28 जनवरी को ही लाला लाजपत राय जी का जन्म हुआ था, जिनको कि पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ये भारतीय स्वतंत्रता में गरम दल के नेता थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। ऐसे वीर को हमारा शत शत नमन है। आज 28 जनवरी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपको भारत के मैप से संबंधित प्रमुख तटों के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2021 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी को निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इन्होंने यह निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। तो अतः इस बार जो है गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में कोई भी विदेशी शामिल नहीं हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। भारत जब आज़ाद हुआ था उसी समय से ही यह परंपरा बनी हुई है कि हर साल कोई न कोई विदेशी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर कोई राजा भारत पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होता है। लेकिन इस बार 1966 ईस्वी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि गणतंत्र दिवस पर कोई भी मुख्य अतिथि शामिल नहीं हुआ है। अब तक 4 बार ऐसा हो चुका है कि गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में कोई भी विदेशी शामिल न हुआ हो। और पहली बार जो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो शामिल हुए थे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो इस बार जो है पद्म पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों में टोटल 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, 119 व्यक्ति। इस बार पद्म पुरस्कारों में जिसमें कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल है। इन पुरस्कारों में पद्म विभूषण जो है वो 7 लोगों को, पद्म भूषण 10 लोगों को और पद्मश्री अवार्ड 102 लोगों को दिया गया है। आपसे इन पुरस्कारों का सीक्वेंस पूछा जाता है कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड को एक सीक्वेंस में लगाइए। तो सबसे बड़ा देखिए, इसको याद करने के लिए इस प्रकार से देख सकते हैं कि पद्म विभूषण जो इसमें है अक्षरों की संख्या सबसे ज़्यादा है, यानी पद्म विभूषण में अक्षरों की संख्या ज़्यादा है तो ये पुरस्कार जो है पद्म पुरस्कार का सबसे हाईएस्ट पुरस्कार है। नेक्स्ट है पद्म भूषण, जिसमें अक्षरों की संख्या जो है वो पद्म विभूषण से कुछ कम है, यानी ये जो पुरस्कार है वो पद्म विभूषण से नीचे आता है। नेक्स्ट है पद्मश्री, यह पुरस्कार जो है पद्म पुरस्कारों में सबसे निचले पायदान पर आता है, यानी आपसे सीक्वेंस अगर पूछा जाए तो सबसे पहला होगा पद्म विभूषण, सेकेंड होगा पद्म भूषण और थर्ड होगा हमारा पद्मश्री। इस बार जो है यह पद्म पुरस्कार कुल 29 महिलाओं को दिया गया है, साथ ही साथ इस बार जो है यह पुरस्कार एक ट्रांसजेंडर को भी दिया गया है। इस बार के पद्म पुरस्कारों में कुल 10 विदेशियों को यह पुरस्कार दिया गया है और टोटल 119 व्यक्तियों में से इस बार जो है 16 व्यक्तियों को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। आइए पद्म पुरस्कार से संबंधित कुछ जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति संबंधित है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि शिंजो अबे, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनको इस बार पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है एसपी बाला सुब्रमण्यम, जो कि दक्षिण भारत के तथा हिंदी के प्रसिद्ध गायक थे, ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं और इनको यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। आइए बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्तियों का। जैसे कि सुमित्रा महाजन, जो कि 16वीं लोकसभा के स्पीकर थे, इनको इस बार पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। रामविलास पासवान, जो कि केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री थे, उनको भी इस बार पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यदि आपको पद्म पुरस्कार की पूरी लिस्ट चाहिए तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं और मैं इस पर एक अलग से ही वीडियो बना दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की गई है,
जिसे कि राजेंद्र कुमार भंडारी ने जीत लिया है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, राजेंद्र कुमार भंडारी। ये पुरस्कार आपदा के क्षेत्र में किए जाने वाले अमूल्य योगदान एवं निस्वार्थ सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। जिस पुरस्कार में व्यक्तिगत रूप को 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो आइए अन्य ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि निखिल श्रीवास्तव, इनको अभी हाल ही में माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्याम श्रीनिवासन, अभी इनको हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक एवं कार्यकारी अधिकारी हैं। नेक्स्ट है पंडित सतीश व्यास, इनको हाल ही में विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। तो अभी हाल ही में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा। इस बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो है इनटू द डार्कनेस मूवी ने जीता है। आइए अन्य ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि लद्दाख। लद्दाख में अभी हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, जिसको ITBP ने लद्दाख को पराजित करके जीता है। हरियाणा, जहाँ की खेलो इंडिया यूथ गेम के 4th संस्करण का आयोजित किया जाना है और यह हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है ओडिशा। ओडिशा में अभी हाल ही में ओडिशा का प्रसिद्ध मेला जिसका नाम है, हाल ही में SpaceX ने कितने उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करके नया रिकॉर्ड बनाया है। तो अभी हाल ही में SpaceX नामक कंपनी ने 143 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करके यह रिकॉर्ड बनाया है। यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। SpaceX जो कि एक अमेरिकी अंतरिक्ष परिवहन कंपनी है जिसके संस्थापक एलॉन मस्क थे, इस कंपनी ने अभी एक नासा द्वारा प्रक्षेपित 104 उपग्रहों का रिकॉर्ड तोड़कर 143 उपग्रह लॉन्च करके यह रिकॉर्ड बनाया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है। तो अभी हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी की गई है, जिसमें कि भारत 7वें स्थान पर है। यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। यह ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स का 16वां संस्करण था, जो कि जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और इस इंडेक्स में मोजाम्बिक पहले स्थान पर, जिम्बाब्वे दूसरे स्थान पर तथा बहामास तीसरे स्थान पर रहा है। आइए अन्य ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये कोई ना कोई भारत की रैंकिंग को ही प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स, जिसमें कि भारत 4th स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है 10 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत जो इस बार 10वें स्थान पर रहा है, और ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में भारत इस बार 111वें स्थान पर है। आइए अब हम भारत के मैप संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। और आज हम भारत के प्रमुख तटों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि पहला है जैसे कि गुजरात का तट। गुजरात के तट का नाम काकरा पारा तट है, जो कि भारत का सबसे लंबा तट है। नेक्स्ट आता है मुंबई का तट, जो कि दमन और दीव से लगा करके गोवा तक फैला हुआ है, और इस तट का नाम कोंकण तट है। यानी मुंबई के तट का नाम कोंकण तट है। नेक्स्ट आता है कर्नाटक का तट, जो कि गोवा से लगा करके कर्नाटक के मैंगलोर तक फैला हुआ है, और इस तट का नाम कंकर तट है। नेक्स्ट हमारा है केरल का तट। केरल के तट का नाम मालाबार तट है, जो कि कर्नाटक के मंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अगला हमारा आता है तमिलनाडु का तट, जो कि कन्याकुमारी से लेकर के आंध्र प्रदेश के तिरुवनंतपुरम तक फैला हुआ है, और इस तट का नाम कोरोमंडल तट है। नेक्स्ट आता है जो कि आंध्र प्रदेश के तिरुवनंतपुरम से लगाकर पश्चिम बंगाल तक, उड़ीसा पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है, जिस तट का नाम पश्चिमी सरकार तट है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे लंबा तट का क्या नाम है। काकरा पारा तट, जो कि गुजरात का तट है।
आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो मानसून बनता है और भारत का जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो भारत के किस तट पर सबसे पहले वर्षा करता है। तो जो दक्षिण और पश्चिम मानसून होता है वो भारत में सबसे पहले केरल के तट पर, जिसको कि मालाबार नाम से जानते हैं, इस तट पर सबसे पहले वर्षा करता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे बाद में वर्षा जो है लौटते हुए मानसून द्वारा किस तट पर होती है। तो भारत में लौटते हुए मानसून द्वारा, जो कि उत्तर पूर्व मानसून है, इसके द्वारा जो है कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, जो कि तमिलनाडु का तट है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बगल में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।